एफएम बुलेटो रेडियो सिटी 91.1 ट्यून कर रखा है आपने। बंदे मयंक कहते हैं, गुड मॉर्निंग। आज शनिवार है और चल रहा है फिलहाल सिटी के सितारे हमाम, जो कि जितने भी बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो कि इस करियर में अपना एक अलग नाम बनाना चाहते हैं, उनको आइडल की तरह देखते हैं। योगेश मिश्रा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नाम जिनकी नजर से छोटी खबर भी आज तक नहीं बची। हजारों लाखों बडिंग जर्नलिस्ट के आइडल योगेश मिश्रा आज हमारे साथ हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम सर का इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत ज्यादा छोटे हैं। सर, आपकी आवाज में आपका परिचय। मैं योगेश मिश्रा हूं और न्यूज ट्रैक अपना भारत, ये दो हमारे प्रोडक्ट है। न्यूज ट्रैक एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हिंदी और इंग्लिश में है। अपना भारत एक बहुत पुराना अखबार है जिसको हम वीकली निकालते हैं। सर, हमारे शो पे आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जर्नलिज्म के करियर में आपकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली मैंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैं बनना चाहता था टीचर। टीचर इसलिए नहीं बन पाया कि हमारे उन दिनों के जो कुलपत थे वो उनका कोई और कैंडिडेट था। तो मेरी समझ में आया कि आखिर मैं चीजों को टीचर नहीं बन पाया, तो अब मुझे कुछ नया करना चाहिए, कोई ऐसी जॉब करनी चाहिए जिसमें बहुत एडवेंचर हो, रोज रोज चेंज हो। तो ये देखते देखते मेरी समझ में आया कि इकोनॉमिक्स में जर्नलिस्ट कम है जो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। और जिस दौर में मैं यहाँ आया 91-92 में, उन दिनों हिंदी में अर्थशास्त्र का जर्नलिज्म, अर्थशास्त्र की पत्रकारिता नहीं हो रही थी। तो मुझे थोड़ा स्कोप दिखा और मुझे लगा कि अब मैं एक ऐसे जॉब को चूज कर रहा हूँ जिसमें टीचर की तरह स्टैग्नेशन नहीं है, डे टू डे चेंज है, जिसमें एडवेंचर है। तो उस तरह से इसे सोचते हुए मैं इस फील्ड में आया। सर, इस फील्ड में अभी तक के सफर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में जो भी लोग आए और जो मेरा अपना अनुभव है, ये थोड़ा व्यक्तिगत जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी के लिहाज से बेहद कठोर, बेहद कठिन सा फील्ड है। इसमें आपकी व्यक्तिगत जिंदगी खत्म हो जाती है, आपकी कोई लाइफ नहीं होती, क्योंकि ये पहला प्रोफेशन है जिसमें चीजें आपके एंड से गवर्न नहीं होती हैं। जैसे आप आर्किटेक्ट हो तो आप चीजों को अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो कब कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ये आप तय नहीं करते हैं, कब कौन सी घटना होगी, कहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट होगा, कहाँ पर कौन सी बड़ी वारदात होगी, ये सब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, दूसरे हिसाब से चलती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है आपका वो बहुत पुअर होता है, और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई समय नहीं होता और उनको बियर करना पड़ता है। ये जरूर है कि आप कई बार ऐसे काम करते हैं जिसमें आप लगता है कि आप कई बार सरकार से अच्छा काम कर सकते हैं, आप मंत्री से अच्छा काम कर सकते हैं, आप किसी प्रशासनिक अफसर से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और बहुत सुकून होता है जब किसी गरीब की अच्छी खबर लिखते हैं आप, किसी कोई उत्पीड़ित शोषित आदमी की खबर लिखते हैं और उस पर कार्रवाई होती है, कोई बड़ा ऐसा आप घोटाला खोलते हैं जिसमें लगता है कि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो सुकून भी मिलता है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है और बड़े कॉम्प्लिकेटेड, बड़े कॉम्प्लेक्स अनुभव मुझे भी हुए इसमें। सर, इस बात को, इस ऑक्यूपेशन के कॉम्प्लेक्स नेचर को आपसे ज्यादा अच्छा कोई और एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। योगेश मिश्रा सर के साथ हमारी बातचीत रहेगी जारी। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1, रग रग में लखनऊ सिटी। गुड मॉर्निंग रेडियो सिटी पर फेसबुक के जमाने में आपको क्या लगता है मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है ना, वो कहीं से भी किसी भी तरह वो जांच परख में नहीं है। उसका कोई एडिटर नहीं है, उसकी कोई पड़ताल नहीं होती है, उसके बारे में कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो हमें सोशल मीडिया का कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले, व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले, ये देखना चाहिए कि वो चीज कितनी सही है, और उस कंसर्न आदमी जिससे वो जुड़ी हुई चीजें उससे बात जरूर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार आप ऐसा ब्लंडर कर देते हैं कि आपको फिर जिंदगी में पछतावा होता है। आजकल फेक न्यूज़ भी बहुत सारे दिखते हैं, तो फिर एक रीडर, एक व्यूअर कैसे जज करे कि कौन सी न्यूज सही है, कौन सी न्यूज गलत है? एक्चुअली फेक न्यूज को पहचानना रीडर के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। ये जो मीडिया में जुड़े लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी खबरों को रोकें। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, अभी एक गोवा के चीफ मिनिस्टर भर्ती हैं, उनकी एक उनका एक लेटर चला
किसी अखबार वाले ने गोवा के पीआरओ से, सरकार के पीआरओ से एक उनका वर्जन लिया कि ये आपके चीफ मिनिस्टर जो भर्ती हैं दवा करा रहा है उनकी ओर से एक फेक एक चिट्ठी चल रही है। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये दुनिया बड़ी ऐसी है और मैंने राजनीति में अपना सब कुछ लगाया, लगता है जिंदगी के अंतिम समय में हूँ। तो उसमें कितना अच्छा काम किया कि गोवा का जो पीआरओ है उससे उन्होंने वर्जन लिया, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ। तो इसमें जो मीडिया में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप मीडिया की विश्वसनीयता बनाए, क्योंकि मीडिया जो है ना वो साख का सवाल है, वो प्रसार का सवाल नहीं है, क्योंकि लोग कोट करते हैं आप। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मीडिया की ज्यादा जिम्मेदारी होती है जनता के हिसाब से, और जनता को भी अगर ऐसी चीजें मिलती हैं तो मीडिया ऑफिसर्स को सेंड करें, भेजें, उनसे पूछें। और अब तो कई चैनल के लोग ऐसे प्रोग्राम भी चला रहे हैं और कई अखबारों में भी ऐसा चलने लगा है कि आप भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जो खबरें चल रही है वो उसको वेरीफाई करके आपको देते हैं। सर आगे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवाल है हमारे दिमाग में। आप तब तक सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 रग रग में लखनऊ सिटी। गुड मॉर्निंग। उनकी फील्ड में एक अलग नाम बनाने वाले योगेश मिश्रा सर है हमारे साथ। सर आपके करियर का टर्निंग पॉइंट अगर आपसे पूछें तो टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है? वो हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था और मेरे साथ के सारे 17 लोगों का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं। फिर मैंने एक ऐसे करियर का टीचर बनना चाहता था, टीचर भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ये सारे जो ट्रेडिशनल करियर हैं इसमें मेरे लिए कोई स्पेस नहीं है, तो मैं एक ऐसे करियर की तलाश में जुटा जो थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल हो। और उन दिनों जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत आपाधापी भी नहीं थी, बड़ा ग्लैमर भी नहीं था और बहुत पढ़े लिखे लोग भी कम आ रहे थे। तो मुझे लगा कि इस करियर को मुझे चुनना चाहिए, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद से मैंने, और फिर मैं एक अखबार में नौकरी करता था, अचानक मेरी नौकरी छूट गई तो मुझे लगा कि आगे क्या होगा। उसमें भी थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट था, उसका कंटिन्यूअस मैं हूं। तो सर आजकल की मीडिया सिनेरियो में अगर आपको एक चीज बदलने की ताकत दी जाए तो वो एक चीज आप कौन सी बदलेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया को प्रसार की जगह अपनी साख पर ध्यान देना चाहिए और उसे अपनी क्रेडिट साख बचानी चाहिए। सर आने वाले 10 सालों में आपको क्या लगता है मीडिया कहाँ जाएगा? आने वाले दिनों में जो स्पेस है वो बेसिकली अब पोर्टल का है, क्योंकि इसमें टेलीविजन की तरह चित्र भी है और अखबार की तरह अक्षर भी है और मोबिलिटी है। और अभी जो सीन दिखता 10 सालों में, अखबार सिर्फ वो रह जाएंगे, पत्रिकाएं वो रह जाएंगी जो एक्सक्लूसिव करेंगे, और रूटीन की चीजें व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स लोगों तक पहुंच जाया करेंगी। तो इसलिए अब तमाम तरह की खबरों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी ये जो जनरेशन है हम लोग की, वो जनरेशन चूंकि मीडिया के लिए यूज टू है, अखबार के लिए यूज टू है, टेलीविजन के लिए यूज टू है, इसलिए वो मंगा रही है, खरीद रही है। आने वाले दिनों में स्पेशल स्टोरी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो लोग करेंगे सिर्फ उनके लिए स्पेस रह जाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ा स्पेस होगा। और भी बहुत सारे सवाल है आपके साथ, आप बने रहिए मयंक के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। ऑलराइट जी, एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 ट्यून कर रखा है आपने। बंदे हो मयंक कहते हैं, गुड मॉर्निंग। आज शनिवार है और चल रहा है फिलहाल सिटी के सितारे। हमारे साथ योगेश मिश्रा सर हैं जो कि जर्नलिज्म की दुनिया में इन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। इनका एक ऐसा नाम है जिस नाम को हजारों लाखों बच्चे जो हैं वो एक आइडल की तरह देखते हैं। तो सर फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं जो कि आगे जर्नलिज्म की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या संदेश होगा आपका? हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आप इस प्रोफेशन को चुन रहे हो तो थोड़ी कठिनाई के लिए तैयार रहो। शुरू के 2-1 साल कठिनाई के होते हैं पर बाद में आपके लिए ग्लैमर भी है, पैसा भी है, स्कोप भी है, स्पेस भी है, और आप कोई सपना हो आपकी जिंदगी का तो सपना भी इसमें पूरा कर सकते हैं। सर आपके बिजी शेड्यूल से आपने थोड़ा सा समय निकाला और रेडियो सिटी के स्टूडियोज में आए, उसके लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 रग रग में लखनऊ सिटी। गुड मॉर्निंग।